हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोबॉय अमन और मेरा नाम है अमनदीप। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आपके पास साइकिल पंप है, आप रेगुलरली साइकिल पंप्स यूज़ करते हैं, तो दोस्तों यूज़ भी करो बट उसको आप मेंटेन भी करो। सो ये क्वेश्चन है एक जो मेरा व्यूअर है उसकी तरफ से, उसका जो पंप है उसमें कोई दिक्कत आ गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, और जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो मैं इधर ऊपर लिंक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। वो वीडियो बनाने के बाद ठीक है मैंने डाली थी, तो वो वीडियो उसने देखी और बोला जैसे आपने बोला मैंने वैसे ही मैंने उसको मेंटेन किया, थोड़ा सर्विस किया, बट पंप अभी भी नहीं चल रहा। सो मैं बताना चाहता हूँ, वो वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी जैसे आप पंप यूज़ कर रहे हो आप उसको रेगुलर मेंटेन करो। मैंने इस पंप के ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक है, ये FLP 5000 है। अब इसका नेम चेंज हो गया बट पंप वही है। अब अगर आप ये पंप यूज़ कर रहे हो ठीक है, और अगर आप इसको रेगुलरली मेंटेन करते हो तो पंप जल्दी कभी ख़राब नहीं होगा। बट अगर आप पंप को नहीं मेंटेन करते और इसमें जो ऑयल होता है हल्का फुल्का वो हार्ड हो जाता है, वो ड्राई अप हो जाता है, उसकी ग्रीस बन जाती है, ब्लैक हो जाती है, तो धीरे धीरे जो ये है इसका जो पंप एक्शन है हार्ड होता जाएगा। अब जैसे जैसे हार्ड होता जाएगा वैसे वैसे इसमें हीट भी और जनरेट होगी और वो और ज़्यादा ख़राब होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, पंप में कोई ना कोई पार्ट या कोई ना कोई चीज़ जल्दी वेयर आउट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, तो फिर तब जाके पंप को मेंटेन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये वैसे ही है जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हो या साइकिल चलाते हो ठीक है, उसको अगर आप रेगुलरली मेंटेन करते हो अच्छी चलती रहेगी। अगर आप रेगुलरली मेंटेन नहीं करते, आप उसकी देखभाल नहीं करते, तो क्या होगा, उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और हो सकता है वो रिपेयर भी ना हो जो पार्ट रिपेयरेबल था पहले। तो वैसे ही इसमें भी है, इसमें आपको करना क्या होता है, अब वो वाली वीडियो मैं ऊपर लिंक ज़रूर कर रहा हूँ बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यही वीडियो देखेंगे वो वीडियो नहीं देखेंगे, उनको बोरिंग लगेगा या उनको लगेगा उनको ज़रूरत नहीं है। तो मैं बेसिकली क्या बता, आप इसको खोल के बता देता हूँ सिंपल। ऐसे आपने कोई भी पंप है आपके पास, आपने खोलना है, उसको निकालना है, उसमें आपको ऐसा पिस्टन दिखेगा ठीक है, ये इसका पिस्टन है और ठीक है ये इसकी बॉडी है। अब सबसे मेन क्या होता है, क्लीनिंग का क्या पार्ट होता है, जो ये पिस्टन है इसके हेड को क्लीन करना है आपने, जो इसमें सील है उसको क्लीन करना है, जो इसकी बॉडी है इसको अंदर से क्लीन करना है। इन दोनों को क्लीन करने के बाद हल्का सा इस पे यहाँ पे लूप लगा देना है, लूप लगाने के बाद इसको अंदर डाल के बंद कर देना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने हाल ही थोड़ी देर पहले ही इसको किया था, तो आप देख सकते हो इसमें अभी ही ये ऐसे ब्लैक होना शुरू हो रहा है। तो इसको आप रेगुलरली मेंटेन करते रहो, अच्छा सा एक थोड़ा सा नॉर्मल सा ये विस्कोसिटी वाला ऑयल डालो और ये पंप आपका हमेशा ही चलता रहेगा। अब ये वाला पंप मेरे को 5 साल हो चुके हैं ये पंप को यूज़ करते हुए, और मैं हर एक बार जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो हवा निकाल देता हूँ साइकिल चलाने के बाद, और चलाने से पहले दोबारा से इसमें हवा भरता हूँ अपने साइकिलों में, तो ये पंप अभी तक बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही मैं इसको आगे मेंटेन करता रहूँगा और ये पंप और भी 1-2 साल शायद ये निकल जाए, फिर यानी मेरे को हर एक पंप 3-4 साल बाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी एक ही पंप से मैं लगभग 6-7 साल चला लूँगा। तो दोस्तों यही सेम चीज़ आपको साइकिल में भी रखना पड़ेगा, जो भी आपका साइकिल का ठीक है जो बेसिक मेंटेनेंस होती है, सर्विसिंग होती है, वो करवाते रहो, तो आपको जो ब्रेकडाउन है, जो मेजर ब्रेकडाउन होते हैं, वो आपको कम देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और आपके साइकिल के लिए भी। और हाँ, कई बार क्या होता है ये सर्विसिंग के बाद भी ठीक है इसमें कोई दिक्कत आ सकती है, तो एक बारी मेरे को क्या हुआ था, इसमें पंप में थोड़ी सी लीकेज आ रही थी, मैं हवा भर रहा था बट पंप में लीकेज की आ रही थी आवाज़, मैं इधर भी चेक किया, इसकी सील को भी चेक किया बट ये सील सही थी, इसमें कोई लीकेज नहीं थी, बट इधर से नीचे से कोई लीकेज थी। तो मैंने इस पंप को ध्यान से इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने के बाद आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये बोल्ट है जहाँ पे बड़ा ठीक है एलन की लगेगी, 8 नंबर की शायद, 8 नंबर की लगेगी। तो मैंने देखा इसको यहाँ पे एलन की लगा के ये लूज़ है,
मैंने सिर्फ इसको टाइट कर दिया और इसको टाइट करने के बाद जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। जो लीक हो रहा था हवा वो बंद हो गया और पंप मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ऐसे ही कुछ ना कुछ दिक्कत इधर उधर हो जाती है तो आप उसको देख सकते हो। और अगर आपका पंप ख़राब भी हो गया, ठीक है, मान लो आपने रिपेयर नहीं किया, आपका पंप ख़राब है, आप एक नया पंप ले आते हो, तो जो पुराने वाला पंप था उसको फेंकिए मत। उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसको आप सेल्वेज कर सकते हो। जब आपका नया वाला पंप है मान लो वो ख़राब हो गया, तो आप ट्राई कर सकते हो पार्ट स्विच करने की, स्विच करके जो आपका पंप है वो सही होता है कि नहीं, तो ये चीज़ आपके काम आ सकती है। अब ये इसको फेंक दोगे ये वेस्ट बन जाएगा, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी ख़राब है, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए आप उसको रिसाइकल करोगे तो ही फ़ायदा है। और रिसाइकल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, पार्ट्स को सेल्वेज करो। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपके वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी साइकिलिंग, बाय बाय।